साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि ये छोटी छोटी सी बात यदि जनता के बीच आप लेके जाएंगे, और एक सबसे बड़ी बात आप नौजवान के कंधों के ऊपर है, जो 11 तारीख को चुनाव है उस 11 लोकसभा चुनाव में अमरीश कुमार ने, कांग्रेस प्रत्याशी ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। जैसे जैसे मतदान की तिथि आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस समर्थक जगह जगह अपने नेता को जिताने के लिए बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं। आज रुड़की बीटीगंज में भी अमरीश कुमार के समर्थकों ने, पूर्व चेयरमैन ने एक जनसभा का आयोजन किया, और जिसमें अपील की गई कि अमरीश कुमार लोकसभा प्रत्याशी हरिद्वार को भारी मतों से जिताए। भाई भतीजा वाले जी, उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर रखा है, तो उसका इनको मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया। साथियों, क्या हम लोग सेकंड नंबर की नागरिकता में उत्तराखंड प्रदेश के अंदर जीवन यापन करते रहेंगे? जो हमारी नौजवान पीढ़ी सामने खड़ी है, जिसको रोजगार के अवसर, इंश्योरेंस है वो 8-10 हजार रुपए का होता है, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन आप देखेंगे उसके ऊपर परसेंटेज लगा दी कि आपने यदि 8 लाख की गाड़ी खरीदी है तो आपको 80 हजार रुपए वहां पर रजिस्ट्रेशन कराने में देने पड़ेंगे। आपको उसका जो इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस कराने के लिए आपको उसके 20 हजार रुपए देने पड़ेंगे। एक ट्रक जो हमारा चलता है, हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, जिस ट्रक का इंश्योरेंस मात्र 3500 रुपए होता था, आज 55 हजार रुपए, 60 हजार रुपए उसका इंश्योरेंस होता है।